हाय फ्रेंड्स, आज मैं चकली बना रही हूँ। सूजी आधा कप लिया है मैंने और चावल के आटा एक कप लिए हैं। छोटे चम्मच से एक चम्मच व्हाइट सीसम सीड से तिल रोस्ट किया हुआ है और आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच कलौंजी है। आप सीसम सीड्स को रोस्ट करें या कच्चा भी रख सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर है छोटा चम्मच से, नमक स्वाद के हिसाब से डालें। एक चुटकी हींग है, एक चुटकी भर हल्दी पाउडर है, तेल है, मीठा तेल मैंने लिए हैं। अब इसके बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में एक कप पानी उबलने के लिए डाल दिया। अब इसी पानी में मैं एक चम्मच के बराबर ऑयल डाल दिया, एक बड़ा चम्मच के हिसाब से, और हल्दी, नमक, हींग और लाल मिर्च पाउडर इसी में मैं डाल देती हूँ। जीरा इसी में डाल के मिला देती हूँ और कलौजी भी। व्हाइट तिल मैंने बाद में मैं डालूंगी, बाद में इसको तिल अभी मैंने नहीं डाला है। अब पानी उबालने लगा है, अब मैं इसमें रवा डाल देती हूँ सेमोलिना और अच्छे से इसको स्टर करना है। इसमें गांठ नहीं आना चाहिए। गैस का फ्लेम मैंने कम करके रखे हैं। इसको एकदम भूनते भूनते आटे के लोई के तरह गाढ़ा करना है। अब ये तैयार हो गया है, एकदम गाढ़ा हो गया है। इसको ठंडा होने देना है, फिर इसके आगे फिर चकली बनाने का प्रोसेस चालू होगा। अब मैं इसको गैस बंद कर देती हूँ इसका, फिर ठंडा होने देती हूँ अच्छा से। इसको नीचे उतार के ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। सूजी का जो मिक्सर है वो ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसमें चावल का आटा रख रही हूँ और तिल जो है सो डाल रही हूँ। सबको अच्छे से मिक्स करना है। पानी का जरूरत अगर पड़े तो थोड़ा पानी का फुहारा डाल सकते हैं, अगर जरूरत नहीं पड़े तो पानी नहीं डालें। इसको आटा को गूंथते गूंथते एकदम से सॉफ्ट हो गए आटा। थोड़ा सा तेल डालते हैं छोटा चम्मच से, आधा चम्मच के बराबर। हाथ में आटा चिपक रहा है, सॉफ्ट चिपकना बंद हो जाएगा इसके लिए। अभी आटा तैयार हो गए हैं। अब आटा का डो तैयार हो गया है चकली बनाने के लिए।
मैंने चकली मोल्ड को में अंदर से तेल लगा के रखे हैं, और चकली का जो है जो इसके नीचे से गिरेगा इसमें लगाने के बाद। अब इसमें इसके आटा को फिल कर देंगे। इसको अच्छे से टाइट कर दिया मैंने। अब इस थाली में भी थोड़ा ऑयल ग्रीस करके रखी हूँ। अब इस पर मैं चकली बना रही हूँ। मैंने सारे चकली तैयार कर लिए हैं, और इस चकली को 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने देती हूँ। उसके बाद जो है सो फ्राई करूंगी। मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिए हैं और गैस को मीडियम फ्लेम पर कर लिए हैं। अब मैं फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। अच्छे से इसको अच्छे से उठाना है, आराम से डालना है कढ़ाई में, हाथ नहीं पकना चाहिए। अब ये चकली ऑयल से बाहर आ गए हैं, ऊपर आ जाने के बाद इसको पलटी करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है, एकदम क्रिस्पी बनता है ये चकली, और एकदम आसानी से भी बन जाता है। इसमें दाल डालने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ सेमोलिना और राइस फ्लोर से ही बना है, एकदम क्रंची बनता है। अब ये तैयार हो गए। अब मैं इसको निकाल के रख लेती हूँ। कलर भी कितना अच्छा लग रहा है, एकदम गोल्डन कलर का है।
तैयार हो गया क्रिस्पी चॉकलेट खाने के लिए। ठंडा हो जाने के बाद आप डब्बा में स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन हो स्नैक्स टाइम में, चाय के टाइम में आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।